इसमें से कोई हेल्दी चॉइस होना चाहिए अपने लिए, इसके लिए हमने आज ये स्पेशल सेशन रखा है जो सबके लिए फायदेमंद होगा। मतलब बूढ़ों से लेके बच्चों तक ये रेसिपी जो है वो सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम लोग बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की ओर। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। तो आपको इसमें लेना है ड्राई फ्रूट्स, मतलब बादाम लेना है, फिर ये है पिस्ता, ये है मेन अपना इंग्रेडिएंट, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। ये जो दोनों सीड्स है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे वेट लॉस जर्नी में। ये इसमें ओमेगा थ्री की मात्रा बहुत ही अच्छी है और फाइबर भी बहुत ही अच्छा है, जिससे कि हम लोग बहुत हेल्दी रह सकते हैं। और जो स्वीटनर हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें, तो बिल्कुल भी हम लोग शुगर या जैगरी पाउडर यूज नहीं करने वाले। हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं डेट्स, मतलब खजूर और अंजीर। ये हम लोग नेचुरल स्वीटनर यूज करने वाले हैं हमारी रेसिपी में। ओके, और ये जो है ये इलायची पाउडर है, और थोड़ा सा घी हम लोग लेने वाले हैं। घी भी हमारे मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें अच्छी तरीके से फैट होता है, गुड फैट होता है। और हम लोग सजाने के लिए लेने वाले हैं पॉपी सीड्स, मतलब खसखस बोलते हैं हम लोग जिसको वो। और हम लोग अमेजिंग ऐसा हमारा फॉर्मूला वन चॉकलेट फ्लेवर लेने वाले हैं, जो कि बाइंडिंग एजेंट करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज फॉर्मूला वन नहीं यूज करना है, तो आपके पास मिल्क पाउडर का ऑप्शन है, लेकिन हम लोग ये आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर जो होता है उसमें एडल्ट्रेशन भी होता है, इसके लिए हम लोग नहीं चूज करते। मैडम इसमें जैसे बोल रही है इसमें वैसे हमें हम लिख के लोग यूज लेना नहीं है। करेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला वन और शेकमेट ये भी यूज करने वाले हैं, जिससे कि मतलब स्वीट एज अ स्वीट एजेंट भी वो हमें हेल्प करने वाला है हमारी रेसिपीज में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जो भी इंग्रेडिएंट है वो आपको ड्राई रोस्ट करके लेना है थोड़े से घी में, और उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है ये सब इंग्रेडिएंट्स का, ये जो ऐसे दिखने वाला है। क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम की मतलब लिमिटेशन है, इसके लिए हम लोग आपको ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखा रहे। तो इसको आपको फाइन पेस्ट करके लेना है इस तरह से, और जो खजूर और ये जो अंजीर है उसके पीसेस करके आपको ग्राइंड करना है मिक्सर में, तो ही अच्छे से वो ग्राइंड हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब मिक्स करके फिर हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो ऐसे बनने वाला है। ये जो है ये फाइन पाउडर और खजूर और अंजीर मिक्स करके ये हमें फाइनल इंग्रेडिएंट मिला है। तो इसमें हम लोग अभी यूज करने वाले हैं अपना अमेजिंग ऐसे फॉर्मूला वन, जिसमें 18 विटामिन्स है। ऐसा फॉर्मूला वन हम लोग चॉकलेट फ्लेवर ले रहे हैं, ताकि बच्चे भी एंजॉय कर सके इसको। तो इसको एक स्कूप डालना है आपको, और क्योंकि मैंने लिमिट में सब कुछ लिया है, इसलिए हम लोग वन स्कूप यूज कर रहे हैं। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है तो आप ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा शेकमेट। Yes. तो हम लोग इसको सब सबको मिक्स करने वाले हैं प्रॉपरली, एक अच्छा मिक्सचर देने वाले हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा घी इस्तेमाल किया है हमने, इसलिए वो ज्यादा ड्राई नहीं होने वाला, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से रहने वाली है। तो इसको प्रॉपरली हम लोग मिक्स करना है, एक अच्छा सा मिक्स देना है। ये सब चीजें जो हेल्दी है वो हमें मतलब अनचाहे टेम्पटेशन जो होता है इससे दूर रखने वाले हैं। और हम लोग अगर स्वीट कोई खाते हैं तो उसके बाद हम लोग गिल्ट फील करते हैं कि अरे बाप रे, अभी तो मैंने खा लिया, मुझे टेम्पटेशन हुआ, लेकिन इसकी वजह से मेरा वेट गेन तो नहीं हुआ होगा ना। तो ये अच्छे से हेल्दी रेसिपी के साथ हम लोग वेट लॉस अवॉइड कर वेट वेट गेन अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा ये जरूरी नहीं होता कि वेट लॉस रेसिपीज टेस्टलेस हो या ब्लाइंड फूड हो, ऐसे नहीं। हम लोग उसको टेस्टी बना सकते हैं,
ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमें उसको कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे उसमें अच्छे से इंग्रेडिएंट इंक्लूड करने हैं। तो अभी ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी ये जो मेरे पास साचा है मोदक का, उसमें ये फिलिंग्स मैं डाल रही हूँ। ये प्रॉपरली पील करके थोड़ा घी का हाथ लगा के उसको हम लोग अनमोल्ड करेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मोदक हो गया है। और इसमें सजावट के लिए हम लोग पॉपी सीड्स लगाने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको दो तरह के मोदक दिखाने वाली हूँ। एक तो ये हम पॉपी सीड्स लगाएंगे उसके ऊपर, मतलब खसखस लगाएंगे। मैं यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन दे रही हूँ। ये एक मोदक है जो हम लोग मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने यूज किए हैं, तो हम लोग इसको स्टोर भी कर सकते हैं और मतलब कहीं ट्रैवलिंग में कैरी भी कर सकते हैं। इसका हम लोग लड्डू भी बना सकते हैं, ठीक है। और मैं दूसरा ऑप्शन आपको बता रही हूँ कि हम लोग हमेशा मतलब पारंपरिक वे से या ट्रेडिशनल वे से हम लोग जो बनाते हैं वो उकड़ी से मोदक म्हणतो आपण त्याला मराठी मध्ये सांगायचं झालं तर तसे उकड़ी से मोदक पण आपण हेच इंग्रेडिएंट वापरून करू शकतो। ये मैंने चावल का आटा लिया है, इसको अच्छे से बॉईल मतलब बॉईल पानी में इसको गूंदा है। और इसमें हम लोग अभी ये जो हमारा सारण या फिलिंग है ये हम लोग यूज करने वाले हैं, और इससे भी मोदक हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं। आयतुल्ला, क्या नाम तेरा? आयतुल्ला, ये आयतुल्ला मैडम, छोटे छोटे घर 33 लोग है इकडे पार्टिसिपेट, सॉरी सर। 33 लोग पार्टिसिपेट है, प्रत्येकाला एक एक तरी मिळायला पाहिजे। हो सर, नक्की नक्की जरूर। आपको भी ये रेसिपी ट्राई करनी है और इसके फोटो जो है वो हमारे साथ शेयर करने हैं आपको हमारे ग्रुप में, ओके। तो हमें इसीलिए पता सबको चलेगा कि रेसिपी, सब हाँ इसलिए सबको देखना है और घर पे कल ट्राई करना है। तो ऐसे हमारे दो प्रकार के मोदक बनके तैयार हो गए। मस्त, एकदम कलरफुल हो गए। यस सर। तो ये जो है ये वाले मोदक हम लोग को मतलब जल्दी से कंज्यूम करने हैं क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा यूज किया है। और ये वाले जो मोदक है ये आपको, ये आप ट्रैवलिंग में कैरी भी कर सकते हो और ये स्टोर भी कर सकते हो। ये मैडम, ये चावल चावल वाले जो मुद्दों का, ये ऐसे ही खाना है कि और पकाना है इसको? नहीं, इसको मतलब बॉईल करना है जैसे हम लोग ट्रेडिशनल वे से हम बॉईल जो करते हैं चावल के आटा स्टीम, आटे के मोदक, वैसे स्टीम हाँ करने स्टीम हैं। करना है, यस मराठी वो मध्ये स्टीम वाफवलेले म्हणतात, करने वाफवलेले हैं। सुद्धा म्हणतात। हो, हे वाफवले पाहिजेत आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हे कंझ्यूम करू शकता। आता आपल्याकडे हम लोग के पास थोडा टाइम लिमिटेशन है इसके लिए हम लोग ये ऐसे नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये दो प्रकार के ऑप्शंस है आपके पास और ये जरूर ट्राई कीजिए ये वाले फेस्टिव सीजन में, और हमारे साथ रेसिपीज इसका जरूर शेयर कीजिए। मैडम एक बोलना था कि मैसेज आए हैं कि फिर से ना जो आपने अभी ट्राई किया है वो क्या क्या डाला है, फिर से आप बता सकती हैं? ओके जी, ओके इसमें ओके ओके, मैंने एक यूज किया गिव मी अ है। मिनट प्रियंका मैम, गिव मी अ मिनट। ओके, सो सबसे पहले क्लैप करेंगे प्रियंका मैम के लिए और सुषमा मैम के लिए। सुषमा मैम इतना बेहतरीन रेडी हुए है साड़ी, और ये हाँ अच्छा अच्छा माहौल बना है। थैंक यू सो मच एक्सीलेंट। प्रियंका मैम। और जैसे रिक्वेस्ट आया है कि रिकैप मिलेगा सबको, लेकिन अभी लास्ट टाइम पेपर और पेन रेडी है क्या आपके पास? और सच में मतलब आता मतलब मेरे दिमाग में आया, जिनके जिनके पास गणेश जी के दर्शन के लिए मुझे जाना है तो ये डेफिनेटली मैं कैरी कर सकती हूँ। मन में भी गिल्ट नहीं रहेगा कि वो मिठाई वाले की मिठाई हम लोग लेके जा रहे हैं, जो शायद पता नहीं कितना हेल्दी है। तो जो प्रियंका मैम ने बोला ना फर्स्ट वाला रेसिपी, की हम बना के रख सकते हैं आणि आपण किमान 5 मोदक तरी प्रत्येकाच्या घरी देऊच शकतो, आणि आपले मोदक हे चवीला वेगळेच असते, बाप्पा पण खुश। ओके, सो क्विकली रिकॅप के लिए, येस ओवर टू यू सुषमा मॅम, तुम्ही कंटिन्यू करा। थँक्यू फॉर गिविंग अपॉर्च्युनिटी। थैंक
थैंक यू मैडम, यस मैम, बहुत ही यस, थैंक यू प्रियंका मैडम, बहुत ही अमेजिंग आपने ये मोदक बनाए. ऐसा मेरे तो मुंह में ना पानी आ रहा है भी, मैं ना कल अरे ही ट्राई करूंगी, यानी सबको दूंगी, गणपति बाप्पा भी आने वाले हैं घर पे, करूंगी और भाई रेसिपी भेजूंगी, यानी कैसे बनाए करके. तो थैंक यू मैडम, मुझे बहुत यस मैम, अच्छे लगे, पर मैं बताना सबको अच्छे चाहूंगी मैम, लगे थे. यस मैम, मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये वाले जो ड्राई मोदक जो हमने तैयार किए हैं वो आप फास्ट में भी यूज कर सकते हैं. आपको अगर सिंगाड़ी का आटा डालना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें एज अ बाइंडिंग एजेंट, इंस्टेड ऑफ मतलब फॉर्मूला वन या ऐसे कुछ आपको अगर नहीं यूज करना होगा तो. यस, सो थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच. रेसिपी का आपको रिकैप हेल्दी मोदक रहेगा बनाना बताना है, ना. यस यस, हेल्दी यस मोदक बनाना है तो आप फॉर्मूला वन यूज करके बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाला. यस तो थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी तरह से रेसिपी आपने बताई और मोदक की. ओके, तो कल सब करने वाले हैं जो मैडम ने बताया है, सब हैंडल्स कीजिए. यस, सोरठे सर भी बोल रहे हैं कि मैं भी करने वाली हूँ, पूजा मैडम भी बोल रही है कि मैं भी करने वाली हूँ. और एक है कि जो मैडम ने बताया अपना जो फार्मूला वही शेकमेट है, तो ये जब हम डालेंगे, कैसे हमारे जो मोदक रहते थे पहले तो उसमें क्या है, शक्कर आती थी तो शुगर बढ़ जाना, फैट्स जब बढ़ जाते थे उससे, तो अभी ये जो है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. और हम जो वेट लॉस जर्नी में है तो हम हमारा थोड़ा सा वेट नहीं बढ़ने दे सकते. फाइबर है जो कुछ है सब वो अच्छी तरह से इसमें है, फार्मूला वन यूज किया है उसमें, शेकमेट यूज किया है मैडम ने, जिससे कि क्या होगा कि हमारा फैट लॉस नहीं बढ़ेगा. तो अच्छी रेसिपी है और मोदक सबको ना कल करने हैं और हमारे ग्रुप में डालने. कौन कौन करने वाला है फिर कल? यस, मैडम ने बताया है कि रेसिपी लिख के तो सबने ली है, पर मैडम ना ग्रुप पे भी डालेंगी कि क्या क्या उन्होंने, और आप ना थोड़ा सा अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं उसमें. खसखस जो डाला है ना, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन दिख रहे हो मोदक की. और जो उकड़े के मैडम ने बोल ले, मराठी मध्ये म्हणते ना वाफवलेले मोदक, ते करा, तांदुळाचं पीठ घेऊन मॅडम ने छान केलेले आहे ते. ओके, तर सगळ्यांनी आपल्याला उद्या हे मोदक करायचे आहे आणि गणपती बाप्पाला दाखवायचे. ओके, तो यस थँक यू प्रियंका मॅडम, यस यस, एक बार रीना मैं मैडम ने रिक्वेस्ट हैंडल्स किया करना है. चाहती हूँ प्रियंका मैम को कि एक बार क्विक रिकैप अगर वो बता सकते हैं तो सबके लिए बेटर होगा, कुछ लोग देर से जुड़े हैं. यस ओके यस मैम, तो सबने डेफिनेटली. ना बुक लेनी है, पहले तो सबने बुक लेनी है, क्योंकि मैडम बार बार, हमारा टाइम भी अभी हो रहा है, बार बार नहीं बताएंगी, तो बुक लेना है और पेन लेना है. यस, ओके, यस मैडम. तो पहले मैंने लिया है ये पिस्ता है, फिर ये जो है ये बादाम है, फिर पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, और इसके बाद खजूर और अंजीर लिया है, और स्वाद के लिए मतलब फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर ली है, और ये सब ड्राई रोस्ट करके लेना है पहले आपको, और उसके बाद वो उसको मिक्सी में ऐसे फाइन पेस्ट बनाना है उसका ग्राइंड करके, और इसको फिर खजूर और अंजीर में मिक्स करके फिर अपना फॉर्मूला वन यूज करके इसका ऐसे मिक्सचर बनाना है, और ये मिक्सचर बनने के बाद आप ये साचा यूज करके इसमें आप ऐसे वाले मोदक बना सकते हो, और उसमें सजावट के लिए आपको पॉपी सीड्स मतलब खसखस यूज करना. यस तो लिख लिया है सबने, खोपड़ी में आ गया. यस यस, तो थैंक यू मैडम.